हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रोशनी एंड वेलकम टू माय चैनल बेसिक कुकिंग बाय रोशनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ लहसुनी जीरा राइस की रेसिपी। प्लेन जीरा राइस तो हमेशा ही हम लोग खाते हैं, बट आज हम लोग उसमें डालेंगे लहसुन और बनाएंगे लहसुनी जीरा राइस, जो कि बहुत ज़्यादा जीरा राइस के कंपैरिजन में टेस्टी लगता है। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइस को अच्छे से वॉश करके ले रख लेंगे। 2 कटोरी राइस मैंने यहाँ पे आज यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पे 1 बड़ा लहसुन को इससे छील के चॉप कर लिया है और कुछ तेज पत्ते लिए हैं यहाँ पे मैंने। सबसे पहले हम लोग गैस पर रख देंगे कुकर और उसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच घी। और जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तो हम लोग इसमें जीरा डालेंगे, क्योंकि हम लोग जीरा राइस ही तो बना रहे हैं, पर उसको हम लोग लहसुन वाला फ्लेवर देने वाले हैं। तो ये लहसुन इसमें डाल देंगे। तो लहसुन को अच्छे से अभी हमें गोल्डन कलर होने तक फ्राई करना है। तो आपको यहाँ पे लहसुन डालने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप लहसुन डालेंगे ना, उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी लगेगा। तो देख सकते हैं यहाँ गोल्डन कलर हो चुका है लहसुन का। अब हम लोग इसमें तेज पत्ता डाल देंगे। इसके बाद हमने जो चावल वॉश करके रखा था ना, वो उसमें ऐड कर देंगे। और अच्छा सा चावल का जो पानी है ड्राई होने तक 2 से 3 मिनट तक हम लोग इसे भूंज लेंगे। ऐसा करने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जीरा राइस में। तो 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से भूंज लेंगे। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करी हूँ 1 गरम मसाला। मतलब मैंने सारे खड़े मसालों को पीस करके ये पाउडर तैयार किया है। आप इसकी जगह पर बिरयानी मसाला यूज़ कर सकते हैं, या फिर खड़े मसाले भी आप इसमें पहले ही, जैसे हमने तेज पत्ता डाला ना, वैसे ऐड कर सकते हैं उस टाइम पर। 2 से 3 मिनट तक इसे और भूंज लेंगे। आप देख सकते हैं चावल एकदम अलग हो गए हैं और ड्राई हो गए हैं, पानी उसमें का एकदम अब सूख चुका है। तो अब हम चावल की क्वांटिटी के हिसाब से इसमें पानी डालेंगे। तो मैंने 2 कटोरी यहाँ पे राइस दिया, तो सबसे पहले 4 कटोरी में पानी डाल रही हूँ। अगर आप बाई चांस बासमती राइस में से बना रहे हैं तो आप थोड़ा पानी डबल से कम कर लीजिएगा। उसके बाद इसके टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग नमक डाल देंगे इसमें। और सबसे लास्ट में हम लोग इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और चावल एकदम खिले खिले बनते हैं। फटाफट से कुकर का ढक्कन लगाएंगे और 2 सीटी लगा लेंगे। 2 सीटी में चावल एकदम परफेक्टली कुक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि चावल अच्छे से बन गया है और एकदम अलग अलग बना है चावल, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो चलिए फटाफट से इसको एक बार हम लोग चला देते हैं ताकि चावल आपस में चिपके ना। तो आप देख सकते हैं, देखिए कितना अच्छा से ये चावल बना है। अगर आप बासमती राइस में से बनाएंगे ना, तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। किसी भी मसाले वाली सब्जी के साथ, पनीर की या कोई भी मसाले वाली सब्जी के साथ, ये बहुत टेस्टी लगता है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लास्ट में फटाफट से इसमें हरा धनिया डाल देंगे और ये हमारा लहसुनी जीरा राइस बन के तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलूँगी एक नए रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।